हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम पाटिल है। आप सभी को मेरा नमस्कार। श्रीमती इंद्राणी बालेंस साइंस एक्टिविटी सेंटर यहाँ से बात कर रहा हूँ। आज हम केमिस्ट्री के एक एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे और उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट है सपोनिफिकेशन, और इस एक्सपेरिमेंट में हम सोप बनाने वाले हैं, साबुन बनाने वाले हैं। चलो हम साबुन की हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो साबुन बनाया गया था वो बेबीलोनियन, मेसोपोटेमियन, इजिप्शियन, एंशियन ग्रीक्स और रोमन्स इन सभ्यताओं की लोगों ने बनाया था। इतिहास के एक सबूत के अनुसार सबसे पहले जो सोप बनाया गया था वो ईस्वीसन पूर्व 2800 में बनाया गया था, और ये बेबीलोनिया में बनाया गया था। और इस सोप को बनाने के लिए उन्होंने क्या यूज किया था? फैट और एशेस। फैट को एश के साथ बॉयल करके ये सोप बनाया था। और इसका इस्तेमाल क्यों किया गया था? आपको लग सकता है कि इसका इस्तेमाल नहाने के लिए या तो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए किया रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। इस पुराने सोप का इस्तेमाल कॉटन इंडस्ट्री में और मेडिसिनल पर्पस के लिए किया गया था। चलो हम सोचते हैं कि साबुन को हम कौन कौन से रीजंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम उसको नहाने के लिए यूज़ करते हैं, हम इसको बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। तो साबुन के अलग अलग तरह के यूज होते हैं। हमारे हाथ पे जो डर्ट होती है, मिट्टी लगी होती है, ऑयल होता है, उसको रिमूव करने के लिए भी हम साबुन का यूज करते हैं। तो इस तरह साबुन के बहुत सारे यूजेस होते हैं, इसलिए साबुन हमारी जिंदगी का एक अविभाज्य घटक है। नेक्स्ट हम जानने की कोशिश करते हैं कि साबुन होता क्या है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सोप। So soap is a salt of fatty acid. So fatty acid is a carboxylic acid with an aliphatic chain which can be either saturated or unsaturated. ये oleic acid का एक structure है, जो एक acid है, इसमें carbon की श्रृंखला है और ये एक unsaturated fatty acid है। अब जो दूसरा है, अब एक दूसरा जो structure है sodium oleate का, ये soap का एक common component होता है। और इस सोडियम ओलिएट के दो पार्ट है, जैसा कि हम देख रहे हैं, एक नॉन पोलर टेल का पार्ट होता है और एक पोलर हेड, ये एक दूसरा पार्ट होता है। साबुन के बारे में एक ये दो टर्मिनोलॉजीज हमेशा देखने को मिलती है, हार्ड सोप और सॉफ्ट सोप। तो हार्ड सोप जो होता है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड रहता है, और सॉफ्ट सोप जो होता है वो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर वॉशिंग सोप, ये एक एग्जाम्पल है हार्ड सोप का, और टॉयलेट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करने वाले सोप, शेविंग क्रीम्स, शैम्पूज, ये सॉफ्ट सोप के एग्जाम्पल्स हैं। इनमें की डिफरेंस होता है, सॉफ्ट सोप में बड़ी मात्रा में झाग या तो लेदर मिलता है, हार्ड सोप में ऐसा झाग या लेदर नहीं मिलता। दोस्तों अब हम चलते हैं हमारी लैब में, और यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा साबुन को बनाते हैं। सबसे पहले हम एक बीकर में 60 मिलीलीटर कोकोनट ऑयल लेंगे, एक दूसरे बीकर में 50 मिलीलीटर डिस्टिल्ड वाटर में 15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालकर उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। कोकोनट ऑयल को हीट करना चालू करेंगे और साथ ही साथ स्टर करते हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे। इस सॉल्यूशन को करीब 10 से 12 मिनट तक उबालेंगे। यहाँ पर एक सावधानी बरतनी है कि सॉल्यूशन बीकर से बाहर ना आए। अब 500 मिलीलीटर बीकर में 200 मिलीलीटर डिस्टिल वाटर लेंगे और उसमें 15 ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक या तो कॉमन सॉल्ट ऐड करेंगे। अब यह सॉल्ट सॉल्यूशन पहले बनाए हुए सॉल्यूशन में ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सॉल्यूशन के ऊपरी हिस्से में तैरता हुआ साबुन दिखाई देगा। इस साबुन को हम फिल्टर करेंगे और एक मैच बॉक्स के सांचे में डालेंगे। इस सोप बनाने की प्रक्रिया में अलग अलग सुगंधित द्रव्य डालकर हम विविध प्रकार के सुवासिक साबुन भी बना सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में फैटी एसिड जो यहाँ पर कोकोनट ऑयल है और अल्कली जो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इनकी अभिक्रिया होकर फैटी एसिड का क्षार यानी के साबुन तैयार होता है। दोस्तों हमने एक साबुन बनाया, अब हम
हम जानने की कोशिश करते हैं कि साबुन हमारे हाथ में से गंदगी जो होती है, जो मिट्टी होती है या तो जो ऑयल के पार्टिकल्स होते हैं, वो कैसे निकलता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे स्किन के ऊपर डर्ट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं और इस डर्ट मॉलिक्यूल डर्ट के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए हानिकारक रहते हैं। अब डर्ट तो नॉन पोलर है और पानी एक पोलर सॉल्वेंट है, तो वो दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाते, इसलिए डर्ट को हम सिर्फ पानी के जरिए नहीं निकाल पाते। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो सोप मॉलिक्यूल्स है उनमें एक पोलर पार्ट होता है और एक नॉन पोलर पार्ट होता है। सोप का नॉन पोलर पार्ट डर्ट के साथ इंटरैक्ट करता है और उसको बाइंड करता है, और सोप का पोलर पार्ट पानी के साथ इंटरैक्ट करता है। इस तरह डर्ट को हाथ से निकाला जा सकता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने घर में एक सोप बनाने की कोशिश करें, लेकिन एक सावधानी बरते कि हमेशा बड़ों की सहायता ले, अपने टीचर्स की सहायता ले। आप अपने बनाए हुए मॉडल्स और सोप की फोटोग्राफ्स या वीडियोस हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।